जो बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से बिहार में हो रहा है। और जिन बहुत सारे नेता कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने का कोई ख्वाहिश नहीं है, उनकी एक ही ख्वाहिश है कि महागठबंधन बनाया जाए और जितने भारतीय जनता पार्टी से जिनका विचार मिलता नहीं है वो सब लोगों को एक किया जाए। अभी सर हैदराबाद के ओवैसी जी ने बयान दिया है कि मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं और एक दलित के हत्यारे को वो छोड़ दिए हैं, उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं हुआ। हमने उनका बयान देखा नहीं है, लेकिन जो बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से बिहार में हो रहा है। और जिन बहुत सारे नेता कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने का कोई ख्वाहिश नहीं है, उनकी एक ही ख्वाहिश है कि महागठबंधन बनाया जाए और जितने भारतीय जनता पार्टी से जिनका विचार मिलता नहीं है वो सब लोगों को एक किया जाए। और उस दिशा में जब काम हो रहा है तो बहुत लोगों के मन में बेचैनी हो रहा है, तो जो लोग बेचैन हैं वो कुछ से कुछ बोलते रहते हैं और सभी बात का जवाब देना उचित नहीं है। समय आएगा तो उसका भी जवाब मिल जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन क्या बनेंगे, वो सब बात समय पर साबित हो जाएगा कि क्या देश में होने वाला है। जी वो वैसे जी किसी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, 2024 में भाजपा से भारत को मुक्त कराया जाए, इसी दिशा में नीतीश कुमार जी की पहल। जी तो ओवैसी जी किसी के कहने पर इस तरह का बयान दे रहे हैं? कहाँ किसके कहने पर बोलते हैं वो जाने, उनसे पूछिए। मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूँ कि बिहार में जो भी होता है नियम से होता है, कानून के हिसाब से होता है, और उस पर किसी को लाभ पहुँचता है, किसी को हानि होता है, उसको सरकार नहीं देखती है, जो कानून है उसके हिसाब से सरकार। जी एक सर चिराग पासवान बोल रहा है कि नीतीश कुमार ने गलत किया है, उसके बारे में बता जी। नहीं नहीं हो पाया, नहीं नहीं सर एक चिराग पासवान क्या है, वो कितने दिन के नेता हैं, उनको क्या अनुभव है समाज के बारे में, क्या अनुभव है गांव के बारे में, क्या जानते हैं बिहार के बारे में, पूरी तरह से जानते हैं क्या? तो कुछ से कुछ लोग बोलते रहते हैं, उसका सबका जवाब देना मुनासिब नहीं है। चलिए जी वो वैसे किसी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, 2024 में भाजपा से भारत को मुक्त कराया जाए, इसी दिशा में नीतीश कुमार जी की पहल। जी तो ओवैसी जी किसी के कहने पर इस तरह का बयान दे रहे हैं? कहाँ किसके कहने पर बोलते हैं वो जाने, उनसे पूछिए। मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूँ कि बिहार में जो भी होता है नियम से होता है, कानून के हिसाब से होता है, और उस पर किसी को लाभ पहुँचता है, किसी को हानि होता है, उसको सरकार नहीं देखती है, जो कानून है उसके हिसाब से सरकार। जी एक